दोस्तों 1970 एंड से इंडिया में कैपिटल मार्केट एक नए सेंसेशन की तरह उभर कर आया है। हालांकि स्टॉक्स की पॉपुलैरिटी के साथ साथ बहुत सारी करप्ट एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी, जैसे प्राइस फिक्सिंग, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, वायलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिले इन मेकिंग डिलीवरी ऑफ शेयर्स एटसेट्रा। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इन करप्ट एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि भारत के लोगों का स्टॉक मार्केट पर विश्वास बना रहे, 1988 में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बीसी ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी एंड उसके फाइनेंशियल मार्केट में रोल के बारे में। करंटली इंडिया में 17 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग NSE एंड BSE। इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के ऑपरेशंस को सेबी की गाइडलाइंस द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली सेबी के पास इस तरह की पावर्स होती हैं। नंबर वन, सेबी के पास पावर होती है स्टॉक एक्सचेंजेस के बायलॉज बनाने की और उनको रेगुलेट करने की। सेकेंड, सेबी के पास पावर होती है कि वो इंडिया में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एटसेट्रा की अकाउंटिंग बुक्स या रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता है। थर्ड, सेबी कंपनीज को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से भी रोक सकता है। फोर्थ, सेबी स्टॉक ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन को भी हैंडल कर सकता है। सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं और इसके रीजनल ऑफिसेज न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड अहमदाबाद में हैं। इसके लोकल ऑफिसेज भी ऑल ओवर इंडिया कई सिटीज़ में हैं। अब बात करते हैं सेबी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। मिस्टर अजय त्यागी करंटली सेबी के चेयरमैन हैं, जो 1 मार्च 2017 से इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। सेबी में एक चेयरमैन है और बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स हैं। ऑनरेबल चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 2 मेंबर्स को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉमिनेट करती है और 1 मेंबर को RBI द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। बाकी बचे 5 मेंबर्स को यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट एक ऑर्डरली मैनर में फंक्शन करे, एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और इक्विटी मार्केट को और डेवलप कर सकें। और ये तो हमने ऊपर समझाई था कि सेबी का मेन काम होता है इंडियन कैपिटल मार्केट में करप्ट एक्टिविटीज़ होने से बचाना। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि सेबी का इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल है। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेबी अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स का ख्याल रखती है। फर्स्ट, इश्योर ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब कि वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। सेबी ये इंश्योर करता है IPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स एंड FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स एक ट्रांसपेरेंट और सही तरीके से हो। सेकंड, प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट, जैसे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट आज इसलिए फंक्शन कर पा रहा है क्योंकि ट्रेडर एग्जिस्ट करता है। इसलिए सेबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के किसी भी तरह के फ्रॉड या मैनिपुलेशन के विक्टिम ना बने। थर्ड, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये सिक्योरिटी मार्केट में एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन स्मूथ एंड सिक्योर हों। तो सभी इन स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में सेबी के फंक्शंस को समझते हैं। सेबी बेसिकली इन 3 की फंक्शंस को कैरी करता है। नंबर 1, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेबी इन फंक्शंस को इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए परफॉर्म करता है, जैसे प्राइस फिक्सिंग, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाना और फ्रॉड एंड अनफेयर एक्टिविटीज़ को रोकना। नंबर 2, रेगुलेटरी फंक्शंस। इस फंक्शन के साथ सेबी फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज को मॉनिटर करता है और गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करता है जो मर्जर्स, अमेलगमेशंस एंड कंपनीज के टेक ओवर पर भी लागू होता है। नंबर 3, डेवलपमेंट फंक्शंस। सेबी के डेवलपमेंट फंक्शन की लिस्ट में एक है इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देना, और सेबी IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पैसे को यूज़ करके इन्वेस्टर्स को एजुकेट एंड स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर कराती है। इसका कंक्लूजन करें तो स्टॉक मार्केट देश के इकोनॉमिक हेल्थ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर लोग स्टॉक मार्केट पर अपना विश्वास खो देंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम हो जाएंगे, जिससे होगा क्या, देश में FDIs एंड FIIs भी कम होने लगेंगी, जो कि कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को हिला कर रख देंगी। जब सेबी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स एंड करप्ट एक्टिविटीज़ होती थी, जिसमें से एक फेमस स्कैम था, आप जानते ही होंगे, हर्षद मेहता स्कैम। और सेबी के पावर में आने के बाद स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंट होने लगी। हालांकि कुछ स्कैम्स सेबी के पावर में आने के बाद भी हुए हैं, जैसे केतन पारिक स्कैम। खैर, आज भी कुछ अनफेयर एक्टिविटीज़ इंडियन कैपिटल मार्केट में होती होंगी, लेकिन बहुत ही कम।
सिक्योरिटी मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो सेबी दिन प्रतिदिन अपनी पावर के साथ स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मुझे कमेंट्स में कुछ अच्छे और नॉलेजेबल टॉपिक सजेस्ट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।